हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, परसों की बात है। हाँ जी, परसों की बात है। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है जी, जो यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का तरीका लाइक कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्लियर है भाई? देखो अभी तक क्या हो रहा है जी कि जनरल कैटेगरी का ड्रॉ है हमारे पास, उसके साथ पीएनपी के प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ हमारे पास कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है जो कि बड़े स्पेसिफिक हैं, बड़े लिमिटेड जॉब टाइटल्स के लिए हैं, जॉब ड्यूटीज के लिए हैं। ठीक है जी, वो उसमें कोई दोहराए है नहीं। अब बात आ रही है, देखो जी गाइस, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि भाई पहले कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास सीसी के अलग ड्रॉ आते थे। ठीक है, उसमें ये था कि भाई ठीक है, आपको कैनेडा का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना स्कोर कैलकुलेट करते थे और आपका भाई नंबर स्कोर बन जाता था, उसके फिर अलग ड्रॉ आते थे। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है भाई, काफी टाइम से ये जनरल कैटेगरी का ही ड्रॉ आ रहा है। अब जनरल में तो भाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सब आ गई जनरल में तो। ठीक है, तो वो कैटेगराइज नहीं हो पाता कि हाँ जी भाई सीसी है या फिर फेडर स्किल वर्कर है, फेडर स्किल ट्रेड है ना, उसमें सारे आ गए। पहले क्या था भाई, सीसी का अलग ड्रॉ आता था। वो ये था कि भाई जो कैनेडा में है, कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा, तो वो उसमें भाई एलिजिबल हो जाते थे, है ना, उनके लिए अलग आते थे और कट ऑफ थोड़ा सा कम होता था, ऑब्वियसली भाई कम होगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो ड्रॉ ना दोबारा से स्टार्ट हो गए। देखो भाई क्या होता है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने इंडिकेशन तो दिया है कि भाई ये चीज होगी, है ना, भी हो सकती है। तो और ड्रॉ इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकते हैं भाई, मतलब जो ऑलरेडी कैनेडा में है लोग, लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी अनाउंसमेंट है नहीं, अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ जी भाई कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास जो है, इसके जो ड्रॉ है ये स्टार्ट होंगे नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट हो गए हैं, ये होगा वो होगा, भाई अभी थम जाओ, अभी पेशेंस रखो थोड़ा सा, अभी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इस चीज पे, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट हाँ कुछ ना कुछ होने के चांसेस जरूर है, तो उसमें गाइस लोगों को ये फायदा होगा जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, कि अगर उनका भाई थोड़ा सा कैटेगराइज कर दें कि भाई ठीक है जो आउटसाइड कैनेडा है उनके लिए ये ड्रॉ है और जो इनसाइड कैनेडा है उनको ये बेनिफिट होगा, उनका सीआरएस इतना होगा, मतलब इतना ड्रॉ आ रहा है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं भाई लोगों में एक उम्मीद रहेगी, लोगों में एक एक्साइटमेंट रहेगी कि हाँ जी भाई चलो ठीक है, मैंने इतना पैसा भी लगाया है, मैंने इतना टाइम भी लगाया, मैं अपनी फैमिली को भी छोड़ के आया हूँ पीछे, सब कुछ इतना है, तो भाई मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, है ना, ये चीज रहेगी। लेकिन किसी गलत फहमी मत रहना भाई, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, कोई डाउट ना रहे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी तक, बट हाँ इंडिकेशन जरूर मिली है हमें कि भाई कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड जैसी कोई अपडेट आती है नैव सिंह संगेट पहुंच जाएगा आप लोगों के साथ बातें शादी करने के लिए। बाकी भाई ड्रॉ दूसरे धड़ाधड़ आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का ड्रॉ परसों आया भाई, 524 का कट ऑफ, ठीक है 1980 इन्विटेशन उन्होंने भेजी, और कल फ्रेंच कैटेगरी का ड्रॉ आया विद कट ऑफ 388 और भाई इन्होंने इन्विटेशन भेजे 1500। ठीक है, बाकी लेट्स होप कि आज भी कोई ड्रॉ आ जाए, एंड जैसी कुछ अपडेट आती है भाई आप लोगों के पास हम पहुंच जाएंगे बातें शाते करने के लिए। आई विल सी नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। इतना आप चैनल को प्यार दे रहे हो यार, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जिन्होंने नहीं किया हुआ। दोबारा मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, एंजॉय, बाय बाय।